राज कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल चांदमारी में असम राष्ट्रीय कुंफू मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में खेले गए सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में उपस्थित महासचिव गौरव विश्वकर्मा एवं टेक्निकल सचिव प्रतीक यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रबंधक शिवरतन गुप्ता एवं अंजलि गुप्ता ने किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में लगभग 18 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कुल 600 से 700 बच्चों ने भाग लिया था। वाराणसी के बच्चों ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर व 8 ब्रांज मेडल जीत कर जिले का नाम रोशन किया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। बताएं सर, मेरा नाम गौरव विश्वकर्मा है और मैं कुंफू वुशु एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ जी। मेरे मार्गदर्शन में ही बच्चे स्टेट चैंपियनशिप खेले हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन था इनका। इसी प्रदर्शन को देख के इनका चयन नेशनल जो आश्रम में हुआ था जी, वहाँ पे किया गया था। हालांकि बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके और एक बनारस में गोल्ड मेडल भी आया है। बच्चा अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है जी, तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और बहुत अच्छा बच्चे प्रैक्टिस किए थे और हम अपने इनके कोच साहब को शाबाशी देंगे जो महेश यादव है। काफ़ी हमारा साथ हमारे टेक्निकल जो सचिव है प्रतीक यादव, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया था। हमारी महिला कोच डॉली गौतम, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इन सब चीज़ों में। कहाँ कहाँ के स्कूल के बच्चों को लिया गया था यहाँ से? यहाँ से यूपी से लगभग 3-4 जिले के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था जी। कितने बच्चे लगभग जो है पाए हैं गोल्ड मेडल और कितने सिल्वर पाए हैं? उत्तर प्रदेश से लगभग 40 से 45 के बीच में खिलाड़ी थे, जिसमें 31 की जो रजिस्ट्रेशन हुई थी जी, और बाकी लोग नहीं कर पा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था जी। इसमें 26 बच्चों को मेडल प्राप्त हुआ है जी, पूरे यूपी से जी। इसमें बनारस में लगभग 7 ब्रॉन्ज जी और 2 सिल्वर 1 गोल्ड। कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? आपके जानकारी में सारी चीज़ होती हुई और बच्चे इतने अच्छे उसमें आए हैं, मेडल लाए हैं सिल्वर और गोल्ड जो है, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और अभी ये बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो इनको असम राइफल में एकदम तो ओपनिंग भर्ती चल रही है, आराम से बच्चे डिफेंस में जा सकते हैं अपने गेम से। हालांकि अभी छोटे हैं, अभी ब्रॉन्ज मेडल मार रहे हैं, कभी गोल्ड मेडल भी मारेंगे जी। तो इनका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल लग रहा है मुझे, और मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि छोटे गांव से थोड़ा इंटीरियर से बच्चे निकल के अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं भारत के उस राष्ट्रीय मंच पर, जहां अच्छे अच्छे खिलाड़ी आके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। आगे और उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे इस वक्त जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, खेल पर जो है? मैं यही कहूंगा कि एक स्लोगन है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये जो स्लोगन है ये बहुत ही आगे तक जाएगा जी। तो मैं बस सभी स्कूलों से, सभी कोचेस से, सभी माता पिता से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि बच्चे को किसी एक गेम में जरूर डालिए, आप बच्चों को खिलाइए,
उससे उनका मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ एंड जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और वो फिट रहते हैं। थैंक यू। जय बताएं। मेरा नाम महेश कुमार यादव जी, मैं सलेमापुर के रहने वाला हूँ जी। मैं राज कॉन्वेंट स्कूल में 3 महीने ट्रेनिंग करा रहा हूँ बच्चों को जी। इसमें हमारे बच्चे पहली बार टूर्नामेंट स्टेट किए जी, शिवपुर जी। मैं 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें 9 लोग गोल्ड मारे थे जी, और 2-3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर बात की जाए, आपने इतनी बच्चों के पीछे मेहनत किया है और बच्चे मेडल पाके आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गौरवान्वित हो रहा हूँ मैं कि हमारे बच्चे गए, पहली बार टूर्नामेंट खेलने गए जिसमें सब अच्छे प्रदर्शन किए जी। आसाम में चल रहा मिर्जा वो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अच्छे मेडल मारे जी। कहाँ कहाँ के स्कूल को आपने जो है ट्रेनिंग, क्या नाम है, कहाँ कहाँ के स्कूल के बच्चे गए थे? हमारे SBO के बच्चे जाने वाले थे जिससे कुछ वजह से नहीं जा पाए जी, और राज कानून स्कूल के बच्चों ने जिसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जो आसाम में मिर्जा में डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जहाँ पे थे जी, और नेशनल के लिए क्वालिफाई किए वहाँ पर जी। जो अदर स्टेट के भी बच्चे आए थे ऑल इंडिया के लिए जी, उसमें हमारे जिसमें 7 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल मारे, 1 बच्ची ने सिल्वर और 2 बच्चों ने पार्टिसिपेट किए। क्या कहना चाहेंगे और स्टूडेंट के लिए आप? हम चाहते हैं कि हर बच्चे पार्टिसिपेट करें जी और अच्छे से खेले जी। थैंक यू। पूरा परिचय बताएं। मैं राज कॉन्वेंट स्कूल का प्रबंधक शिवरतन गुप्ता हूँ। आज यहाँ किस तरीके का आप लोग आयोजन कर रहे हैं? 29 दिसंबर को हमारे बच्चे आसाम में नेशनल गेम्स खेलने गए थे कुंफू वुशू का, जिसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 8 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल और 1 बच्चे ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उसी के आयोजन में बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। कितने बच्चे लगभग होंगे वहाँ पे? तो लगभग 700-800 बच्चों ने टोटल पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश से लगभग 31 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से हमारे यहाँ के 10 बच्चों ने भाग लिया और 10 में से 9 बच्चों ने मेडल प्राप्त किया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए बहुत खुशी है कि पढ़ाई के साथ साथ उन लोगों ने खेल कूद में भी अच्छी प्रतिस्पर्धा दी और मेडल प्राप्त किया। और बच्चे जो खेल में रुचि नहीं रखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो रुचि नहीं लगते हैं उनके लिए तो ये बच्चे बड़ा प्रोत्साहन का काम करेंगे, इनको देख करके और बच्चे मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। माय सेल्फ इज सेजल मौर्या जी, आई स्टडी इन क्लास 9th जी, बड़ा लालपुर चंदमाड़ी वाराणसी। आपने सिल्वर मेडल जीता है क्या? क्लास 9th जी, बड़ा लालपुर चंदमाड़ी वाराणसी। आपने सिल्वर मेडल जीता है क्या? क्लास 9th मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट लालपुर चंदमाड़ी वाराणसी। आपने सिल्वर मेडल जीता है क्या? क्लास 9th मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट लालपुर चंदमाड़ी वाराणसी। आपने सिल्वर जी, क्लास 9th मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट और मेडल जीता है क्या? आपने सिल्वर ने जो भी पाया है क्या कहना चाहेंगे और बच्चों से? मैं और बच्चों से कहूँगी कि और इसमें पार्टिसिपेट करें और अधिक से अधिक, और जैसे अभी मैंने ब्रॉन्ज मारा है, आगे चल के मैं गोल्ड भी मारने की कोशिश करूँगा जी। और मेरे कोच सर रहेंगे तो और ज़्यादा। आप गए यहाँ से असम और वहाँ से आप जो मेडल जीते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अपने साथ 800 बच्चों में सब लोग मतलब आधा मारे, लेकिन मैं भी गोल्ड मारा हूँ। आगे और क्या करना चाहते हैं, इससे बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं? हाँ, गेम से मैं और नौकरी। ठीक ठीक।